हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लक्की व्लॉग्स। और दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ जैतपुर नोएडा में, क्योंकि यहाँ पे लगने वाला है दरबार। जी हाँ, बागेश्वर धाम दरबार यहाँ पे लगने वाला है और यहाँ पे एक कथा चलेगी, श्री भागवत कथा, जो कि करेंगे धीरेंद्र शास्त्री जी। तो दोस्तों, यहाँ की पूरी डिटेल बताऊँगा, तो बने रहेगा इस पूरी वीडियो में मेरे साथ। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ के मेट्रो स्टेशन की। तो सामने आप देख सकते हैं डिपो मेट्रो स्टेशन है, वो यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है। वहाँ उतरने के बाद आपको दोस्तों यहाँ से गेट नंबर 1 से एग्ज़िट लेना है। आप सामने जैसे ही गेट नंबर 1 से बाहर आएंगे, वो सामने की तरफ आप देख सकते हैं, वो सामने आपको पंडाल भी दिख जाएगा। मेट्रो स्टेशन से इसकी दूरी की बात करें तो ये जो पंडाल है मात्र 100 मीटर की दूरी पर है, वो सामने आपको पंडाल दिख जाएगा। तो यहाँ पहुँचते ही आपको सबसे पहले ये होर्डिंग दिखेगी, जहाँ पर पूरी डिटेल लिखी हुई है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। ऊपर आप पढ़ सकते हैं श्री मद भागवत कथा। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कथा जो शुरू होगी, वो कथा होगी दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 तारीख से लेके 16 जुलाई तक ये चलेगी। और जो टाइमिंग है वो 4 बजे से लेके प्रभु इच्छा तक है। और जो महादिव्य दरबार लगने वाला है, वो महादिव्य दरबार इसलिए बोला गया है क्योंकि काफ़ी भीड़ इसमें आने वाली है। तो दोस्तों, ये 12 जुलाई को लगने वाला है, सुबह 10 बजे से ये शुरू होगा और प्रभु इच्छा तक चलेगा। और लोकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कथा का जो स्थल है वो ग्रेटर नोएडा है, जैतपुर मेट्रो डिपो, गौतम बुद्ध नगर। और दोस्तों, 9 तारीख को मैं यहाँ पे पहुँचा था, तो 9 तारीख को सबसे पहले यहाँ पे कलश यात्रा निकाली गई थी। और भीड़ को मद्देनज़र रखते हुए आप देख सकते हैं सामने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर शौचालय भी जगह जगह पर आपको मिल जाएंगे आपकी सुविधा के लिए। यहाँ पर देखिए, बहुत ही प्यारी प्यारी झांकियाँ निकाली जा रही हैं। ये देखिए, शिव जी की झांकी है, ये शिव शंकर और पार्वती। यहाँ आप देख सकते हैं राधे श्याम, ये देखिए राम जी और सीता जी की झांकी। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारी लेडीज अपने सिर पे कलश रख के यहाँ पे कलश यात्रा निकाल रही हैं। बहुत लोग आए हुए हैं दोस्तों। यहाँ देखिए शिव शंकर भोलेनाथ की एक बहुत ही खूबसूरत झांकी आप देख सकते हैं। बस आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे आपको फूड स्टॉल्स दिख जाएंगे। यहाँ पे जो भी आपको खाना है उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन पानी आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। और सामने आप देख सकते हैं 3 पंडाल हैं, मेन है बीच वाला पंडाल, और पब्लिक ज़्यादा है इसलिए 2 साइड में पंडाल लगाए गए हैं। और यहाँ देखिए कितने सारे कलश रखे गए हैं, क्योंकि अभी कलश यात्रा निकली थी, तो ये सारे के सारे कलश आप देख सकते हैं, नारियल कितने रखे हुए हैं कलश यहाँ पर। और चलिए यहाँ से चलते हैं आगे। ये देखिए लोग यहाँ पे नारे लगा रहे हैं जय श्री राम। तो दोस्तों, ये अंदर से आप देख सकते हैं कितना बड़ा पंडाल यहाँ पे बनाया गया है, क्योंकि बहुत यहाँ पे पब्लिक आने वाली है, हज़ारों की संख्या में यहाँ पे भक्त आएंगे और उनको कोई असुविधा ना हो, इसलिए यहाँ पर बहुत ही बड़ा पंडाल यहाँ पर लगाया गया है। और ऊपर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये वाटर प्रूफ पंडाल है दोस्तों। ये देखिए पब्लिक यहाँ पर आनी शुरू हो चुकी है और हम भी वहाँ टाइम से पहुँच गए थे। आप सामने देख सकते हैं, आगे चल के आपको स्टेज का भी आगे का थोड़ा नज़दीक से दिखाऊंगा। वो सामने आप देख सकते हैं जहाँ पे बैठेंगे धीरेंद्र शास्त्री जी, बैठकर वो कथा करेंगे और उसके बाद यहाँ पे दिव्य दरबार लगाया जाएगा। ये देखिए पूरे एरिया में आप देख सकते हैं पब्लिक आके बैठी हुई है, यहाँ पर भक्त आ गए हैं टाइम से। ये देखिए स्टेज, मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाता हूँ। सामने आप देख सकते हैं जो दरबार लगाया गया है, वहाँ पे बैठेंगे स्टेज के ऊपर धीरेंद्र शास्त्री जी। और यहाँ देखिए कुछ ही देर में कथा शुरू होने वाली है, धीरेंद्र शास्त्री जी पहुँच चुके हैं पंडाल में। ये देखिए दोस्तों, आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं उन्हें, और ये बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं पीछे, पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो, वो स्क्रीन्स पर देख पाएँ, इसलिए यहाँ पर पूरी उनकी सुविधा का ध्यान रखा गया है। और ये देखिए हज़ारों की संख्या में यहाँ पर भक्त आए हुए हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर दर्शन करना चाहते हैं धीरेंद्र शास्त्री जी से और दिव्य दरबार में उनसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, अपनी कोई भी कठिनाई के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप यहां पे 12 तारीख को पहुंचकर दिव्य दरबार में वहां पे अपनी अर्जी लगा सकते हैं। और दोस्तों, यहां देखिए आप प्रसाद भी ले जा सकते हैं घर के लिए, अगर ले जाना चाहते हैं तो। जैसे ही पंडाल से बाहर निकलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी।
ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। और पानी यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कितना भी पानी आप यहाँ पे फ्री में पी सकते हैं। और ये एक साइड में बहुत बड़ा पंडाल लगाया गया है, यहाँ पे दोस्तों भंडारा चल रहा है। आगे चल के देखते हैं अंदर, तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी पब्लिक यहाँ पे भंडारे में आई हुई है प्रसाद ग्रहण करने के लिए। ये है आलू की सब्जी और इसके साथ में है पूड़ी, तो आलू की सब्जी के साथ पूड़ी यहाँ पे मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ की पूरी डिटेल मैंने बता दी है, फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो उसमें जय श्री राम लिखें। ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी उसको सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि जितनी ऐसी और अलग अलग जगह की वीडियो आने वाली है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।